हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल शाम के टाइम सिपाही भर्ती 49,568 वैकेंसी जो थी उसका रिजल्ट आ चुका है। अब उसमें कई बच्चे D01, D02 इस तरीके से पूरा दिया है, D03, D14, D13 इस तरीके से, तो समझ नहीं पा रहे हैं क्या है। गर्ल्स की कट ऑफ कहाँ है, क्योंकि ना तो गर्ल्स की कट ऑफ आई है, ना फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ आई है, ना एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ आई है, तो ये सारी कट ऑफ जो है वो गायब है। रनिंग कब होगी तो सारा कुछ मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो साबित होने वाली है। सबसे पहले तो मैं कट ऑफ के पास आपको ले चलता हूँ कि कट ऑफ आपकी कितनी गई है। आपने हालांकि देख लिया होगा, लेकिन उसमें कहीं भी गर्ल्स, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन इन सभी की कट ऑफ नहीं दी गई है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं बाकी सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। तो ये कट ऑफ वाली पीडीएफ भी आपने देख ली होगी, जिसमें 2.5 गुना बच्चों को लिया गया है, 1,23,000 के आसपास बच्चे हैं, जिसमें देखो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो 125 जुलप के 34-65 गई, ओबीसी की कट ऑफ गई 172 जुलप कुछ, अनुसूचित जाति यानी कि एससी की कट ऑफ गई 145 जुलप के कुछ, और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की कट ऑफ गई 114 जुलप के कुछ। ठीक है, तो ये सारी कट ऑफ आपकी गई हैं। अच्छा, इस पूरी पीडीएफ में आपको ना तो गर्ल्स की कट ऑफ दिख रही होगी, ना ही फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ दिख रही होगी, ना ही आपको एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ दिख रही होगी। अब इनकी जो कट ऑफ है क्या इसी के अनुसार है, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि लास्ट वाली जो वीडियो जो वैकेंसी थी 41,520, उसमें गर्ल्स की कट ऑफ अलग थी, फ्रीडम फाइटर की अलग थी, एक्स सर्विसमैन की अलग थी। वहाँ की पीडीएफ आप डाउनलोड करके देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो ये चीज़ तो गलत है। ठीक है, अब या तो 2-3 दिन बाद भर्ती बोर्ड जो है वो अलग से कट ऑफ जारी करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा 50% अब हो सकता है। अगर नहीं तो इस हिसाब से ही उनको अपनी कट ऑफ जो है क्या माननी ही पड़ेगी। समझ गए, अब ले चलते हैं आपकी जो पूरा रिजल्ट आया है। ये आपका रिजल्ट है, आप सभी लोग जानते हैं, लगभग 3,500 पन्नों का रिजल्ट है। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा रिजल्ट है। अब देखना, यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है कैंडिडेट का, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, ठीक है, डोमिसाइल यूपी का है, जेंडर दिया है, डीवी लोकेशन आपको बताई दी है। अब यहाँ पर दिया है D04, D11, D12, D13, D22, D01, तो ये क्या है? तो देखो, सब बच्चों ने पहले अपना नाम सर्च करा और ये देखने लगे। आपने ऊपर नहीं देखा कि ऊपर क्या है, ऊपर है डीवी डेट, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है आपकी। क्या ये लिखा है D01 यानी कि December 04, समझ रहे हैं, यानी कि 4 दिसंबर को आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कहाँ पर? जो भी आपके, जैसे यहाँ पर कानपुर लोकेशन है, तो जिस भी बच्चे का है तो ये कानपुर में होगा। ठीक है, सपोज कीजिए ये लिखा है D11 यानी कि 11 दिसंबर को आपको कानपुर में जाना है, यहाँ पर जाके रिपोर्ट करना है आपको, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें आपकी डीवी की डेट दी हुई है, साथ में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दी है। अब आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट नहीं आएगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड आएगा। वो कब आएगा? ये आपका आ जाएगा 25 नवंबर के बाद। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एडमिट कार्ड है ये आपका 25 नवंबर के बाद आएगा। अच्छा, अब आप ये समझ गए कि D01 क्या है, D02 क्या है, D03 क्या है, ये सारी चीज़ आप समझ गए। अच्छा, रनिंग कब होगी तो अब ये समझ लीजिए, अगर किसी बच्चे का, सपोज कीजिए किसी बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 दिसंबर को है, तो इसकी जो रनिंग है वो 7 दिसंबर या 8 दिसंबर को हो जानी चाहिए, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने पहले ही बोल दिया कि जिस बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके 1 हफ्ते के अंदर उसकी रनिंग ले ली जाएगी। समझ गए, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। D01, D02 क्या है, लड़कियों की कट ऑफ नहीं आई, हो सकता है कि 1-2 दिन के अंतर्गत आ जाए, क्योंकि अभी इनके पास लगभग 10 दिन का टाइम है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिसंबर से स्टार्ट है। रनिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी, आप ये समझ के चलिए कि हर किसी बच्चे की रनिंग अगर हम एवॉब देखें तो 10 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी प्रत्येक बच्चे की रनिंग। ठीक है, 2.5 गुना बच्चे लिए हैं, रनिंग ये समझ लो कि लगभग दिसंबर के आसपास पूरे महीने रनिंग चलने वाली है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं D22 तक तो डेट हमने यहाँ पर देख ही ली, देखो D26 तक देख लिया हमने, देखो यहाँ पर, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने समझा दी।
अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसका मैंने वीडियो बना दिया था, एक बार फिर आपको बना दूंगा क्योंकि अभी 10-12 दिन है, ठीक है? तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगा, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है? तो फिलहाल तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया जो आपकी कन्फ्यूजन थी, और लड़कियों की जो कट ऑफ नहीं आई है तो थोड़ा आप वेट कर सकती हैं, वरना जिनका सिलेक्शन हो गया है वो तो अब अपना पक्का माने, समझ रहे? बस आप रनिंग की तैयारी करना है, तो रनिंग के लिए आप लोग बिल्कुल जोर लगा दें अब आपके पास, ये समझ लीजिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं। और जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप लोग मुझे बताइएगा किस किस का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि मैंने लगभग पूरी तैयारी करवाई थी इस भर्ती की, ठीक है? अच्छा, जिनका नहीं हुआ है तो वो निराश ना हो, हताश ना हो, बिल्कुल भी अपनी उम्मीद ना हारें, डिमोटिवेट ना हो, क्यों? क्योंकि अब ये समझ लो रिजल्ट आने के बाद से काफ़ी भर्तियों का रास्ता खुल गया। जो जेल वार्डर का जो एग्ज़ाम है वो भी अब दिसंबर में होने की संभावना है पूरी पूरी, समझ रहे? और आपका यूपीएसआई की जो वैकेंसी है संभवतः इस महीने के एंड तक आ जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि सारे लोगों को ये पता चल सके, जो उनकी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।